हर महादेव शंभ हर हर महादेव। मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा कि जो शहर में हम रह रहे हैं और ये जो माहौल है एक खरा इतना आलादायक माहौल है कि ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ जी रहा हूँ। अंकल आप मंदिर में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मंदिर में तो हम लोग काम नहीं करते हैं। कब से है? हाँ मंदिर में दुआएं हम लोग के साथ हैं। पता चला यहाँ लगाएंगे वहाँ करेंगे यहाँ बारिश में पानी से भाटा होगा बड़ा मजा आता होगा यहाँ का दृश्य बड़ा अच्छा होगा। मंदिर नहीं बना था लोग भी देखे हैं क्या? कुमकुम है कुमकुम छोटा ये मंदिर जो है रामा अवतार के जमाने से पहले से है। ये बिमलासुर के हाथों से मतलब ये उसके तपोबल से शिव को प्रसन्न किया गया। बिमलासुर ना बिमलासुर बिमलासुर नामक दैत्य यहाँ रहता था अपने तपोबल से मतलब शिव जी को यहाँ प्रसन्न करके प्रकट किया। तो उस टाइम परशुराम का भी एंट्री हो चुका था जब धनुष टूटा था। हाँ हाँ तभी इस जंगल में परशुराम दंडकारण्य क्षेत्र में आए थे वहाँ से ही संकेत हुआ है। ओ अच्छा तो परशुराम इसी जंगल में पूजा जब तब करते थे। तो एक ऋषि की लड़की आया करती थी वसई वेस्ट से निर्मला नाम की लड़की थी। हाँ वो यहाँ पे मतलब शिव जी की आराधना करने आती थी जैसे हम सब आते हैं सोमवार से नित्य नियम से। हाँ इस तरह से वो कन्या भी आया करती थी उसके ऊपर मतलब पूर्ण निगाह गया है तो मतलब उसको जबरन किया है तो परशुराम को मतलब आवाज़ किया है तो परशुराम उस टाइम प्रकट हुए हैं तो दोनों में द्वंद्व
ये दुर्गा है, बिल्लासुर और परशुराम परशुराम। अच्छा, ये मतलब उस टाइम का ये शिवलिंग खंडित हुआ है। अच्छा हाँ, और उसी जमाने से गुना है। अच्छा, गुना पे पहले भी मतलब ऋषि मुनि तपास किया करते थे। अच्छा, आज के 200 वर्ष पहले इस गुना को मतलब चेतन करके वहाँ पे नागा साधु सत्यनारायण गिरी बाबा वो जीवंत मतलब बैठे हैं हमारे आपके जन कल्याण के लिए। अच्छा, ये कुटिया में कभी मड़ी से उजाला हुआ करती थी। अच्छा, तो हम तो सोलाग से किए हैं। हाँ, कभी ये कुटिया मड़ी से उजाला हुआ करती थी। अच्छा, जब वो समाधि लिए तो उनका मतलब सब शक्ति भी लुप्त हो गई इसी जंगल में। अच्छा, उस टाइम से नागाओं का डेरा है और ये दंड कार्मिक क्षेत्र है। यहाँ स्वयं शंभु है मतलब शिव के बरोबर, एक ज्योतिर्लिंग के बरोबर। यहाँ जो सच्चे दिन से मांगा है उसका पूर्ण हुआ है, क्योंकि यहाँ स्वयं शंभु है ना, कोई राजा प्रजा है नगर सेठ नहीं बैठाया है, यहाँ स्वयं शंभु प्रकट हुए हैं। तो शंभु जहाँ प्रकट हुए वहाँ ऋषि मुनि 33 करोड़ देवी देवता, ये तो इसी बात है कि रहेंगे भगवान शंभु के सामने, शंकर के सामने। ये अद्भुत नगरी है ही है, दंड कारण ये चिरंजीवी भूमि भूमि भी बोला जाता है। अच्छा, जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा। अच्छा, ये वही भूमि है जनता माता का मंदिर काटे थे ना रघुराम। हाँ, जिंदा तो इसी भूमि से किए थे ना। अच्छा, वे तपस्वी भूमि है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ये कोई ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हाँ, स्वयं शंभु है। ये गुना उस जमाने से है, परशुराम के जमाने से है। पहले जब अंग्रेज यहाँ छुपा करते थे उस टाइम से कमजोर है, यहाँ से इस धुना से पहले लिंग का दर्शन हुआ करता था। मानी पहले जो जो ये जिंदा समाधि है अपना नीचे का संत नारायण गिरी बापू आज के 200 वर्ष पहले से। हाँ, वो इसी धुना पे भजन करते थे। अच्छा, जब उस टाइम मतलब अंधकार हो जावे तो मतलब अपना सांप आवे। हाँ, और मणि छोड़े और बाबा को खुद पोछ से मार के उठाने का। अच्छा, फिर बाबा भोर में अपना भजन करने जाने का। और ये पुल जो है, बताइए कि कब से धुआं मतलब लगातार। तो अभी जब 200 वर्ष पहले समाधि लिए तो हमारी सनातन नहीं है यहाँ, तभी तो विश्वास मंडल बना। हाँ, तो कुछ पूर्व पहले 40 साल पहले मतलब ये बिहारी बापू आए। हाँ, तब से अखंड चेतन है। अखंड 40-45 साल हो गया अखंड चेतन है। नहीं बुझने नहीं दिए। अभी देखो 2 महीने के लिए पीछे में कितना लकड़ गया है। अच्छा, एक ऐसे खत्म होगा तो दूसरा डाल दूंगा। हाँ, दूसरा धुआं धकारा जूना अखाड़ा नोटों का कबाड़ा, ये है पंचदश नाम जूना अखाड़ा, इसी का तो नाम है। अच्छा, नागाओं का नागा बाबा दूर दूर से भी आते हैं। हाँ, दूर दूर से भी आते हैं, जैसे रम्मत में है। हाँ, तो हम सबका सब एड्रेस पता उन सबको मालूम है कि हमारे परिवार एक सुंगार में भजन कर रहा है। अच्छा, वो यहाँ आएंगे, 4 दिन रहेंगे, मुंबई घूमेंगे, एरिए के मंदिर घूमेंगे। हाँ, फिर वो अपने स्थान पे अपने डेरे पे चले जाते हैं। हाँ, तो हम सबका संस्था का डेरा ऐसे जगह जगह गुना लगा के नागा समाज बैठा है।